नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शनिवार को हुए हादसे में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी तो बच गई यमुना एक्सप्रेसवे पर, लेकिन अब वो घिर गई हैं विवादों में, क्योंकि उसी एक्सीडेंट से एक 12 साल की लड़की ने अब ये शिकायत दर्ज कराई है कि जब ये हादसा हुआ था वो मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी। स्मृति ईरानी ने मदद नहीं की, अनदेखी कर दी। अगर वो मदद करती तो उनके पिता बच सकते थे। अगर मौके पे टाइम से कुछ स्मृति ईरानी जी अगर कुछ करते हैं तो वो मौके बच सकते थे। स्मृति ईरानी की काफी लाओ की उसी एक ही गाड़ी में से ही उस गाड़ी ने दोबारा टक्कर मारी। अगर वो टक्कर ना लगती तो शायद मेरे पापा जिंदा होते। सड़कों पर ये गुस्सा भड़का है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ। स्मृति ईरानी पर लगा है असंवेदनशीलता का आरोप। स्मृति पर यह आरोप लगाया है शनिवार रात यमुना एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसे में मारे गए डॉक्टर रमेश के परिवार वालों ने। सबसे पहले सुनाते हैं 12 साल की बच्ची संदली नागर का बयान, जो उस हादसे में खुद जख्मी हो गई थी, जिस हादसे में उसके पिता की जान चली गई। नोएडा एक्सप्रेसवे पर जिसपे हमारी बाइक बहुत ही कम स्पीड पर चल रही थी, लेकिन पीछे से किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मारी, जो कि एक इंडस्ट्री की स्मृति ईरानी की ही गाड़ी थी। और मैंने वहाँ पे वो हमारी गाड़ी स्लिप हो गई तो मैंने वहाँ पे उनसे मदद भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने मदद के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मदद तुम्हें बाद में मिल सकती है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ आके टकराई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्मृति ईरानी खुद को कोई प्रॉब्लम हुई हो। अगर वो चाहती तो वो हमारी हेल्प कर सकती थी, और हेल्प करती तो आज हमारे पापा हमारे बीच में होते। सुना आपने, संदली का आरोप है कि जब उसके पिता, वो और उसका भाई हादसे में जख्मी हालत में यमुना एक्सप्रेसवे पर मदद की भीख मांग रहे थे, तब स्मृति ईरानी ने मदद करने से इनकार कर दिया था। संदली के इन बयानों के बाद उसके भाई अभिषेक नागर ने FIR दर्ज कराई है। आज तक के पास FIR की कॉपी है, जिसे इस वक्त आप अपने TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। FIR में अभिषेक नागर ने हादसे का ब्यौरा देते हुए कहा है, जैसे ही उनकी यानी पिता रमेश नागर की मोटरसाइकिल वृंदावन कट यमुना एक्सप्रेसवे पर आई तो पीछे से तेजी और लापरवाही से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का काफिला जा रहा था, जिसमें से गाड़ी नंबर DL3CBA5315 होंडा सिटी ने जोर से टक्कर मार दी, जिसमें मेरे पिताजी रमेश नागर की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा दोनों बच्चों को गहरी चोट आई है तथा होंडा सिटी का ड्राइवर अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गया। दोनों बच्चों को स्मृति ईरानी ने अनदेखा कर गाड़ी में बैठकर निकल गए, जो कि पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। सर, हम तो स्मृति ईरानी को मानते हैं, क्योंकि एक इंसानियत के नाते अगर वो टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो कुछ हो सकता था इसमें, क्योंकि आम आदमी भी इतना कर सकता है। जैसे किसी दूसरे ने हमें कॉल करके बताया तो वो भी तो कॉल करके बता सकते थे हमको। इस FIR के मुताबिक दो आरोप है, पहला स्मृति के काफिले की कार ने टक्कर मारी और दूसरा स्मृति ईरानी ने मदद नहीं की, लेकिन दोनों ही आरोपों को स्मृति ईरानी ने खारिज कर दिया है। सबसे पहले बात मदद ना करने की, तो आपको बता दें कि हादसे के तुरंत बाद स्मृति ईरानी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर जख्मी लोगों को मदद पहुंचाने का दावा किया था। आइए आपको दिखाते हैं स्मृति ईरानी के कुछ ट्वीट। जो लोग मेरे हादसे के बारे में जानना चाहते हैं, मैं ठीक हूं। आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया। एक के बाद एक कई वाहन टकरा गए थे। मेरे पीछे चल रही पुलिस कार और मेरी कार भी दुर्भाग्यवश टकरा गई। मैंने घायलों की मदद करने की कोशिश की और ये सुनिश्चित किया कि वे अस्पताल पहुंचे। मैं उनके स्वस्थ होने की कामना करती हूं। नेक इंसान मनोज चोपड़ा और उनकी पत्नी ने भी जख्मी लोगों की काफी मदद की। स्मृति ने जिस नेक इंसान मनोज चोपड़ा का ट्वीट में जिक्र किया था, उनका भी दावा है कि मंत्री ने जख्मी लोगों की मदद की थी। उनकी वो गाड़ी पूरी आगे से हिट होती है, उसमें ठुकती है, उसमें से मैडम निकलती हैं,
और मैंने उनको देखा, मैंने कहा मैडम ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने अपने गार्ड्स वगैरह को बोला इसकी हेल्प करो। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, कह रही क्या हुआ, मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। तो उन्होंने उसी टाइम तुरंत एक्शन में आ गई, उन्होंने सबको वहाँ पे फोन करे, किसी अधिकारी को करा, बड़े अधिकारी को। तो तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस आ चुकी थी वहाँ पे, और मैडम ने सबको वहाँ पर सबको भेजा, जिनके चोट लगी थी उनको भी, जिनको नहीं लगी थी। अब बात नागर परिवार के दूसरे आरोप की। हादसे को लेकर मथुरा के थाने में जो FIR लिखाई गई, उसके मुताबिक इसी कार ने बाइक में टक्कर मारी थी। FIR में इस कार को स्मृति ईरानी के काफिले की कार बताया गया है। हालांकि स्मृति ईरानी के दफ्तर ने सफाई जारी कर कहा है कि इस कार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है। ये स्पष्ट किया जा रहा है कि एक निजी वाहन जिसने कथित तौर पर बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई, उसका HRD मंत्री के काफिले से कोई संबंध नहीं है, जैसा कि मीडिया के एक हिस्से में चलाया जा रहा है। बल्कि मंत्री ने SSP मथुरा को दिशा निर्देश दिए कि घायलों के लिए तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें जल्द से जल्द उपचार उपलब्ध कराया जा सके। इसकी पुष्टि आगरा पुलिस ने भी की है। जो भी मौके मौजूद है, वो तीन गाड़ियां पहले टकरा चुकी थी। इसके बाद जो है काफिला आया, जिसमें स्कूट की गाड़ी ने रोकने का प्रयास किया, तो हमारी जो पायलट जिप्सी थी वो टकराई हुई गाड़ी से टकराई। इसका एक्सीडेंट कोई लेना नहीं है, माननीय मंत्री जी फिट से कोई इसका घटना से कोई वास्ता नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या सिर्फ मंत्री होने की वजह से स्मृति ईरानी को विवादों में घसीटा गया है? मथुरा से मदन गोपाल, आगरा से अरविंद शर्मा और दिल्ली से अनु जैन रोहतगी के साथ आज तक ब्यूरो। इस एक्सीडेंट में ये आरोप 12 साल की वो बच्ची लगा रही है जो खुद भी इस वक्त जख्मी है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, क्योंकि अब एक और चश्मदीद मनोज चोपड़ा सामने आ गए हैं, जिन्होंने कहा कि मंत्री ने मदद की थी। सवाल ये कायम है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन, लेकिन ये अभी तहकीकात में ही पता चल पाएगा। आइए तब तक आपको दिखाते हैं उस रात क्या हुआ था। ये दिल दहलाने वाली तस्वीर उस हादसे की है जिसकी वजह से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी विवादों में घिर गई हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा 5 मार्च को रात करीब 9 बजे हुआ था, जब वृंदावन कट पर होंडा सिटी कार DL3CBA5315 एक बाइक से टकरा गई। चूंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रफ्तार से बातें करती हैं, यही वजह है कि बाइक से जैसे ही होंडा सिटी कार की टक्कर हुई, बेहद तेज रफ्तार में पीछे से आ रही दो कारें भी बाइक और होंडा सिटी कार से टकरा गईं। हादसे के इस मंजर को देखिए, होंडा सिटी कार के अगले हिस्से का परखच्चा उड़ चुका है। वैसा ही हाल इस सेंट्रो कार का है। कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ये स्विफ्ट कार भी उस हादसे में शामिल थी। स्विफ्ट का राइट साइड का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में जहां आगरा के कालिंदी विहार निवासी डॉक्टर रमेश नागर की मौके पर मौत हो गई, वहीं बाइक पर उनके साथ बैठे बेटा और बेटी जख्मी हो गए। डॉक्टर रमेश नागर अपने दो बच्चों के साथ आगरा से जावरा एक विवाह में शरीक होने जा रहे थे। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे देश में घुसे 10 आतंकी। देखते रहिए आज तक।